नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस नए एपिसोड में। साथियों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताने वाला हूँ जो वृक्ष बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। एक ऐसे पेड़ के बारे में बताने वाला हूँ जो शायद आप जानते भी होंगे और बहुत से लोग उसके बारे में नहीं जानते होंगे। साथियों, जिस वृक्ष के बारे में आज मैं बताऊंगा उस वृक्ष का धार्मिक महत्व भी बहुत है और उसका वास्तु के हिसाब से भी महत्व बहुत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं अशोक वृक्ष के बारे में। आज मैं अशोक वृक्ष से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाला हूं जो शायद आपको भी जरूर जाननी चाहिए। अशोक के वृक्ष के बारे में अक्सर आप सभी ने सुन रखा होगा या आपने अशोक का वृक्ष जरूर देख रखा होगा, लेकिन उसके जो बेनिफिट्स हैं उनसे आप अभी तक अनभिज्ञ होंगे या अशोक वृक्ष के जो रियल फैक्ट्स हैं, जो रियल बेनिफिट्स हैं, वो आप में से शायद अधिकतर लोग ना जानते हों। हाँ, आपने अशोक का पेड़ देखा जरूर होगा, लेकिन आपको जो उसके मूल फायदे हैं उनके बारे में शायद आपको ना पता हो। तो मैं आज आपको अशोक के वृक्ष के बारे में बताने वाला हूं कि किस तरह से अशोक वृक्ष हमें बहुत सारे फायदे दे सकता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अशोक का वृक्ष विवाह उपाय में भी काम आता है। कन्या विवाह प्रयोग के लिए भी अशोक वृक्ष का एक उपाय है, वह भी आज के इस एपिसोड में मैं बताऊंगा। तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं अशोक वृक्ष के बारे में। कई लोगों की ऐसी धारणाएं हैं, अक्सर कई बार मैंने भी ऐसा सुना है, कईयों के मुख से सुना है कि अशोक का वृक्ष घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर अशोक वृक्ष हम घर में लगाते हैं तो इससे घर में दुख आता है, रोग आता है, कष्ट आता है। तो कहीं ना कहीं मैं इस बात को सच नहीं मानता, कहीं ना कहीं इस बात को मैं सत्य नहीं मानता, क्योंकि किसी भी चीज को कहने का, किसी भी चीज को जब हम कहते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि अशोक वृक्ष लगाने से घर में दरिद्रता आती है, लेकिन उनके पास कोई रीजन नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अशोक का वृक्ष घर में लगाने से घर में किसी भी तरह का दुख नहीं आता, किसी भी तरह का रोग नहीं आता। सबसे पहले अगर हम इस वृक्ष के नाम पर गौर करते हैं, अशोक, हमारे हिंदू धर्म में पुरुषों का नाम अशोक होता है, पहले समय में बच्चों के नाम अशोक होते थे। अशोक का अर्थ क्या है? अशोक का अर्थ है, अगर उसका संधि विच्छेद किया जाए तो उसका अर्थ बनता है बिना शोक के, अशोक बिना शोक के, अर्थात ऐसी चीज जहां पर शोक का कोई स्थान ना हो, जहां पर दुख का कोई स्थान ना हो। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अशोक वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसके आसपास रहने वालों को कोई भी शोक नहीं होता, कोई भी दुख नहीं होता, बिना शोक के शांति, सुख, मधुरता, ये सब अशोक वृक्ष के उदाहरण हैं। साथियों, अगर हम घर में बात करते हैं तो घर में अशोक का पेड़ लगाना बेहद शुभ माना जाता है। अगर हम अपने घर में अशोक का वृक्ष लगाते हैं तो बहुत ही जल्द हमें इससे शुभ परिणाम, पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए नजर आने लगेंगे, क्योंकि धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जहां पर अशोक का वृक्ष होता है वहां का वातावरण बेहद आनंदित और शांत होता है।
ये सब फैक्ट है जो अशोक वृक्ष के मैं आपको बता रहा हूं, रियल फैक्ट्स हैं, एक्सपीरियंस्ड फैक्ट हैं। आगे अगर हम बात करते हैं हमारे धार्मिक कार्यों की, कोई भी धार्मिक कार्य हो, कोई भी मांगलिक कार्य हो, चाहे कथा हो, कोई अनुष्ठान हो, उनमें भी अशोक वृक्ष के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि जिस पूजा पाठ में अशोक वृक्ष के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी पूजा पाठ में, ऐसे देव कार्यों में कभी भी कोई विघ्न नहीं होता। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बात करते हैं महिलाओं के बारे में। जो महिलाएं डेली अशोक वृक्ष के पेड़ में जल देती हैं, ऐसी महिलाओं का जो वैवाहिक जीवन है सदा सुखमय रहता है। जी हाँ, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को अशोक वृक्ष में रोजाना जल अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से अगर वैवाहिक जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी है, कोई अड़चन है, वह अड़चन, वह परेशानी दूर हो जाती है और जीवन सुखमय बना रहता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर बता देता हूं, घर में अशोक का पेड़ लगाने से घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जिन घरों में अशोक का पेड़ होता है वहां पर पॉजिटिविटी बनी रहती है और नेगेटिव एनर्जी उन घरों में नहीं आ पाती। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। यह पॉइंट है मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ। अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह से मंगल ग्रह पीड़ा दे रहा है या मंगल ग्रह से रिलेटेड कोई दोष बन रहा है तो आपको क्या करना है, अशोक वृक्ष के फलों को मंगलवार के दिन आपने हनुमान जी को अर्पण करना है। जी हाँ, अशोक वृक्ष के जो फल हैं मंगलवार के दिन हनुमान जी को आपने वह फल अर्पण करने हैं। इससे अगर मंगल ग्रह से रिलेटेड कोई पीड़ा आपको मिल रही है तो वह पीड़ा आपकी दूर होगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कन्या विवाह से जुड़ा हुआ यह उपाय है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ब्रीफ किया था, किसी कन्या के विवाह में अगर अड़चन आ रही है, रिश्ता होने में रुकावट आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो ये उपाय करना चाहिए, बेहद ही कारगर उपाय है। क्या करना है, अशोक वृक्ष की जड़ तथा पत्ते लेने हैं, उन्हें विवाह योग्य जो कन्या है, जिसके विवाह की बात चल रही है, उस कन्या के स्नान करने वाले जल में वो अशोक वृक्ष के पत्ते और जड़ डाल दे, फिर कन्या उस जड़ और पत्ते मिले जल से स्नान करे। और स्नान करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जो पत्ते हैं और जो जड़ है वह जल से बाहर नीचे ना गिरे। उसके बाद कन्या स्नान के बाद उन पत्तों को पीपल की जड़ में डाल दे और यह प्रोसेस लगभग 21 दिन तक कंटिन्यू करना है। लगातार 21 दिन तक यह उपाय लगातार करना है। कन्या के विवाह में अगर कोई अड़चन आ रही है तो वह शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाएगी, कन्या के विवाह के योग शीघ्र अतिशीघ्र बन जाएंगे। तो इस प्रकार से यह मैंने आपको बताया अशोक वृक्ष से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको ना पता हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। और प्रिय साथियों, जाने से पहले मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि अशोक वृक्ष के पत्तों को जो भी मांगलिक कार्य में प्रयोग करते हैं, धार्मिक कार्यों में प्रयोग करते हैं, उन्हें सदा देव कृपा की प्राप्ति होती रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं देवता भी प्रसन्न होते हैं और आपको की जाने वाली पूजा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। घर में अशोक वृक्ष जरूर लगाएं, नेगेटिव एनर्जी इससे समाप्त होती है। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। मैं पंडित निधि शास्त्री नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता की, हर हर महादेव।